अनगढ़ प्रखंड सह अंचल मैदान में मारुति मंगल परिवार की ओर से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन बिरसा बेदिया के नेतृत्व में संचालन नितेश कुमार ने किया। कंबल वितरण कार्यक्रम में अतिथि डॉक्टर रिजू नायक, जिला परिषद प्रतिनिधि राम साय मुंडा थे। कंबल वितरण समारोह में अनगढ़ प्रखंड के लगभग सभी पंचायतों से लोग पहुंचे थे। कड़ाके की ठंड को देखते हुए वैसे लोगों को कंबल दिया गया जो बिल्कुल गरीब असहाय वृद्ध व्यक्ति थे। बता दें कि लगभग 300 से अधिक लोगों को कंबल दिया गया। मौके पर रिजू नायक ने कहा कि मारुति मंगल परिवार ने जो कदम उठाए हैं काबिले तारीफ है। समाज में बहुत सारे गरीब परिवार रहते हैं जिनके पास ओढ़ने के लिए नहीं होता है। जब ऐसे व्यक्ति को कंबल मिलता है तो दिल से दुआ देते हैं। सदस्यगण है, सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक जोहार। साथ साथ हमारे बीच इस क्षेत्र के ज्वातुर्क नेता छोटा भाई हमेशा समाज के प्रति समर्पित भाव से अपना सेवा दे रहे हैं, रामसाय मुंडा जी और बिरसा बेदिया जी, जो शुरू से हजारों इस क्षेत्र के लिए रहे हैं, रहते हैं दुरुस्त एरिया में, लेकिन उनका जज्बा है समाज के प्रति समर्पित भाव से सेवा प्रदान करना। वैसे शख्स बिरसा बेदिया जी आप में से भी होंगे, लेकिन मैं आप लोग से उतना मुखातिब नहीं हूँ, क्षमा चाहूंगा, क्योंकि अगर जज्बा आपके पास है समाज सेवा मानव सेवा, तो इसका मतलब है कि आपके पास मैं समझ सकता हूँ। आप लोग तमाम लोग जो बैठे हुए हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, नहीं जान पा रहा हूँ, और उपस्थित हमारे बीच क्षेत्र के दुरस्त एरिया जहाँ सरकार का नजर नहीं जाती है वहां तक पहुंचने वाले पहुंचाने वाले जन जन तक, वैसे शख्स आपके बीच प्रभात खबर से सम्मानित पत्रकार जितेंद्र साहू जी और अभी जो यात्रक पत्रकार अंसार साहब उपस्थित हमारे दूर दराज से आए हुए तमाम माताएं बुजुर्ग और इस क्षेत्र के तमाम लोग का मेरे ओर से हार्दिक जोहार है। और विशेष मैं मारुति मंगल परिवार को हृदय दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारे इस अंगड़ा प्रखंड को चुना। अगर धन्यवाद कहूं वो शब्द बहुत कम है, तो वो शब्द कम है फिर भी धन्यवाद तो कहना पड़ेगा। औपचारिकता मात्र मैं आप लोग तमाम लोगों को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा, शुभकामना देना चाहूंगा कि ऐसी तरह आपका मनोबल समाज के प्रति, समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रति जो आपका सोच है, आपका जो विचार है, इसी तरह करते चले, यही कामना है। अभी अभी पूर्वक्ता सभी लोग बात किए, वाकई में मैं मारुति मंगल परिवार को मैं फिर से एक बार जो संक्षिप्त परिचय है बहुत बढ़िया, इसका कोई काट नहीं है। आज का वैश्विक विकास में हम सब आंधा अनुकरण करते हुए चलते चले जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो बाप दादाओं का संस्कृति, बाप दादाओं का रीति रिवाज, बाप दादाओं का जो बनाया हुआ जो सदियों से चलता चला आ रहा था, वो कहीं ना कहीं अंधानुकरण से, कहीं ना कहीं विकास की होड़ से, कहीं ना कहीं वैश्विक संचलन से, जो अपना चीज था, जो अपना घर का चीज था, धीरे 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 हमसे ओझल होते हुए जा रहा है। ऐसे में मारुति मंगल परिवार बखूबी देखा समझा परखा और गत 10 वर्षों से तन मन धन देकर इस विचारधारा को, इस नेक नियति को आप तक जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, काबिले तारीफ है और बधाई के पात्र है। मैं बार बार तारीफ इसलिए करूंगा कि
आज के दौर में इस परिस्थिति में गरीब गुरुआ के लिए शोषित पीड़ित के लिए कौन सोचता है, किसके पास समय है? सिर्फ विकास 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 के बारे में सोचते हैं। लेकिन इस धरती में ऐसे लोग हैं, तब चल भी रहा है और चलाने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो ऐसे में मैं तारीफ करना चाहूंगा कि आपने जो संक्षिप्त परिचय है, इससे पूर्व ही आपके तमाम पदाधिकारी इस पर प्रकाश डाला होगा, निश्चित रूप से मैं भी थोड़ा सा डालना चाहूंगा कि हमारे किसी भी समाज में अगर अंधविश्वास है तो विकास का मुख्य धारा इसमें कितने भी कर ले सरकार, कितने भी उसके सारा चीज मुहैया करा दे, तो मुख्य धारा में नहीं आ सकता।